गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, दैनिक पठन पाठन के अंतर्गत आज मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस श्रृंखला में आज बारी है ए की मात्रा को जानने की और उसको समझने की। ए की मात्रा कैसे लगती है और उससे निर्मित शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है, आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गतिविधि। बच्चों, ए से होती है एड़ी और ए से होता है एक। इसी प्रकार से जब हम ए की मात्रा किसी भी अक्षर पर लगाते हैं तो आवाज आती है ए। जैसे का के साथ ए की मात्रा लगाएंगे तो आवाज आएगी के। खा के साथ ए की मात्रा लगाएंगे तो आवाज आएगी खे। तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक गतिविधि करते हैं। यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं, तो सबसे पहले इन चित्रों को देखते हैं कि ये कौन से चित्र हैं। पहले एक चित्र दिया हुआ है केले का, फिर है एक ठेले का, फिर है एक पेड़। तो चलिए पहले देखते हैं कि केला, केला कैसे लिखा जाता है। यहां से उठाते हैं एक अक्षर का और यहां पे का बना देते हैं। फिर है ए की मात्रा। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है, तो का के ऊपर ए की मात्रा कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। उसके बाद बारी आती है ला की। ये हमने ला बना दिया और फिर है आ की मात्रा और ये लगा दी आ की मात्रा। अब हम इसके ऊपर एक मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ध्यान से पढ़ें, का के ऊपर ए की मात्रा के, ला में आ की मात्रा ला, और इन दोनों को साथ में उच्चारण करेंगे और पढ़ेंगे के ला, यानी कि केला। चित्र में देखिए केला बना है। अब हम दूसरे चित्र की तरफ आते हैं। दूसरे चित्र में बना है एक ठेला। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ठा लिखा है। इसको ठा को बस ऐसे ही यहाँ पे उठा के लिख देंगे और फिर ए की मात्रा ऊपर इस तरीके से ये वाली ए की मात्रा लगाएंगे। फिर लिखेंगे ला और फिर आ की मात्रा। अब इसका उच्चारण भी उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने का में ए की मात्रा लगा के किया था। ठा में ए की मात्रा को पढ़ेंगे ठे ला, ला में आ की मात्रा ला, दोनों को जोड़ते हुए पढ़ा ठेला। आके की गतिविधि आपको स्वयं करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से चित्र बने हैं। ये चित्र है एक पेड़ का, आप तो देख ही रहे हैं। उसके बाद एक चित्र है रेल का और फिर आता है शेर का। इन सबको जोड़ते हुए उपयुक्त कॉलम में इनका पूरा पूरा नाम लिखेंगे। इसके अंतर्गत दूसरी गतिविधि है पढ़ो और समझो। बारंबारता के साथ पढ़ना और उन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमारी मात्रा पर पकड़ अच्छी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। खेल, मेल, बेल, बेर, शेर, ढेर। एक बार आप भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। चेला, ठेला, मेला, सवेरा, सपेरा और अंत में है बसेरा। बच्चों, जहां पर आपको समझ में ना आए वहां पर आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके उसे पुनः देखिए, बार बार देखिए और उसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास करिए।
आशा करती हूँ आज का कार्य, आज की गतिविधि और आज की मात्रा आप सभी को समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो बच्चों, मिलते हैं एक दूसरी गतिविधि के साथ, तब तक नमस्कार।